अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग कैरियर से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस की। ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट कम्प्लीटली 100% रिस्पॉन्सिव हो, या आपके क्लाइंट की वेबसाइट, जो कि रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट लैपटॉप के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से विजिबल हो, कोई भी जो टेक्स्ट है या इमेजेस हैं वो कट आउट ना हो, या जो है हमारा मोबाइल, हमारी वेबसाइट जब कोई किसी मोबाइल के ऊपर ओपन करे या किसी और डिवाइस पे ओपन करे तो उसको वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नज़र आए, मैस अप ना हो एक दूसरे में। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम डिज़ाइन करते हैं लैपटॉप के ऊपर, तो मोबाइल के ऊपर ओपन करेंगे तो वो लैपटॉप की तरह ओपन होगा और वहाँ से जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप हो जाएंगी, राइट? तो हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। मोबाइल के अंदर सेटिंग्स अलग होती हैं क्योंकि मोबाइल छोटी स्क्रीन है या टैब, और लैपटॉप्स के लिए या फुल बड़ी स्क्रीन्स के लिए अलग सेटिंग्स होती हैं। तो चलें चलते ये देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये डेस्कटॉप और एक ये मोबाइल। अगर हम डेस्कटॉप पे यहाँ पे कोई भी चीज़ एडिट करेंगे, कुछ भी एडिट करेंगे, तो वो एज इट इज़ वेबसाइट पे रहेगा। अगर मतलब जो डेस्कटॉप का लेआउट है वो डेस्कटॉप की तरह ही रहेगा। अगर मैं इसको स्विच करता हूँ मोबाइल के ऊपर, तो हमारे पास मोबाइल का लेआउट आ जाएगा, और उसके लेआउट, मोबाइल के रेलिवेंट जो भी लेआउट हम यहाँ पे सेट करेंगे, वो आपको वो नहीं करना पड़ेगा। मतलब वो मोबाइल के लिए सेटिंग्स होंगी, जब आपकी मोबाइल लैपटॉप जो सॉरी वेबसाइट है वो लैपटॉप पे ओपन होगी तो वो उसी तरह से नज़र आएगी जो हमने लैपटॉप्स के लिए सेटिंग की थी। तो हम इस पर क्लिक करते हैं सिंपल, यहाँ पे स्विच टू मोबाइल स्क्रीन, आई डोंट थिंक ये पता नहीं क्यों लोड नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक बार रीलोड कर लेता हूँ, और जो मैंने पहले सेटिंग्स की हुई थी वो सारी चली जाएंगी क्योंकि उनको मैंने सेव नहीं किया था। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, रीलोड करने के बाद हमारा जो मोबाइल वाला ऑप्शन है वो काम करना चाहिए। मोबाइल के लिए हम सेपरेट सेटिंग्स करेंगे, डेस्कटॉप के लिए सेपरेट सेटिंग्स करेंगे। ओके, हमारी वेबसाइट जो रीलोड हो चुकी है। हम अब इस पर क्लिक करते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे, तो यहाँ पे देखें हमारा जो वेबसाइट है वो मोबाइल के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अब देखें यहाँ पे जो ये सेटिंग्स हैं वो मोबाइल के रेलिवेंट अच्छे से विजिबल हो रही हैं। लेट्स से हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के ऊपर अच्छे से विजिबल ना होती, तो हम क्या कर सकते, यहाँ पे उसको सेटअप कर सकते। अब यहाँ पे देखें, लेट्स से यहाँ पे जो हमारे पास, इसको हम अगर हम एडिट करें इस वाले सेक्शन को, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं लेट्स से इसको हाइड करता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये लैपटॉप मोबाइल के ऊपर, ये जब भी कोई बंदा मोबाइल के ऊपर मेरी वेबसाइट ओपन करे तो ये वाला सेक्शन उसको नज़र नहीं आना चाहिए। तो मैंने इस पर सेलेक्ट किया इस पूरे सेक्शन को, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया हाइड सेक्शन, तो मैं इसको क्या करूँगा, हाइड कर दूंगा। अब ये जो है हाइड हो चुका है मोबाइल के लिए। अब अगर मैं वापस लैपटॉप पे स्विच करूँगा तो वो ऑप्शन, वो जो सेक्शन है यहाँ पे नज़र आएगा, राइट? अगेन मोबाइल पे स्विच करूँगा तो वो गायब हो जाएगा वो ऑप्शन, ठीक है? इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस को, जिनको आप नहीं चाहते कि मोबाइल पे विजिबल हों, उनको आप इस तरह से हाइड कर सकते हो। फिर लेट्स से यहाँ पे हमारे पास ये एक और सेक्शन है अबाउट का, इसके अंदर, इसकी सेटिंग्स के अंदर हम आते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स होनी चाहिए, यहाँ पे देखें मूव सेक्शन अप, मूव सेक्शन डाउन। मतलब आप मोबाइल के लिए ये चाहते हैं कि ये वाला सेक्शन ऊपर नज़र आए और ऊपर वाला सेक्शन नीचे नज़र आए, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें मैनेज कॉलम्स हैं, ठीक? तो मैं चाहता हूँ, देखें मोबाइल के ऊपर ये वाले जो स्क्रीन है यहाँ पे देखें दो कॉलम्स हैं, एक दो, ठीक है? तो सॉरी, ये वाले, इसके कॉलम्स हमने डिस्कस नहीं किए, तो इसके अंदर कोई कॉलम नहीं है, इसके अंदर बेसिकली दो कॉलम्स हैं नीचे वाले सेक्शन के अंदर, उसको हम ज़रा एडिट करते हैं, ठीक है? तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और देखें मैनेज कॉलम्स,
अब मैं चाहता हूँ मोबाइल के ऊपर जो है कॉलम्स वो डाउनवर्ड, मोबाइल के ऊपर ये टेक्स्ट ऊपर नज़र है और इमेज नीचे नज़र है, तो इस तरह से उस कॉलम्स को मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं कॉलम हाइड करना चाहूँ, उसके बाद इसका लेआउट सेट करना चाहूँ, लेट्स सपोज इसके अंदर देखें स्पेसिंग ऐड करना चाहूँ दोनों कॉलम्स के अंदर मोबाइल लेआउट के लिए, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ऑल दो यहाँ पे कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं मोबाइल के लिए, लेकिन आप इसको यूज़ करते हुए मोबाइल के लिए एक सेपरेट लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि जब भी मोबाइल के ऊपर लोड होगा तो सेपरेट लेआउट डिज़ाइन आपका शो होगा, और दूसरी चीज़ों के लिए होगा तो वो उस तरह से शो होगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।